हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी तरफ से चांद ईद मुबारक हो। और ये मैं आज बना रही हूँ अचार गोश्त। ये आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये है मेरा अचार गोश्त के लिए प्याज ब्राउन कर रही हूँ और मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। किचन में असल में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरा किचन है, सामने ये किचन है, किचन में भी चूल्हा लगा हुआ है लेकिन मैंने इधर सेन में रख लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे लगती भी बहुत है। ये मैं मसाला ब्राउन कर रही हूँ और ये मैं चिकन भून रही हूँ। ये देखें, ये अच्छे तरीके के साथ जब भुन जाएगी आपको मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी। और ये मैंने इसमें एक टमाटर डाला है, एक से ज़्यादा मैं नहीं डालती, से ज़्यादा खट्टा हो जाता है। ये देखें जी, ये मेरी चिकन है और ये मैं अभी इसमें डालूंगी दही। ये इसमें मैं दही डाल रही हूँ जी गाइस। इसमें मैंने दही डाल दिया, अब मैं इसके ऊपर से थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। लहसुन अदरक डाल के उसको मैं ढक दूँगी। ये जब सही तरीके से हो जाएगा फिर मैं इसमें मसाला डाल के और ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। क्या कर रहे हो? ये पापा ने भेजा। ये मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया लहसुन अदरक का, ये मैंने पीस के पहले से ये रखा होता है। अब इसको ज़रा मैं ढक के ऊपर से और इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी। फिर इसमें मैं दूसरा लाल मिर्चें, नमक, हल्दी वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। मैं पूरा मसाला लेके आती हूँ जिसमें 12 मसाले होते हैं, तो इसलिए मैंने कभी नहीं इसमें वो हल्दी वगैरह अलग से नहीं डालती, मैं सारे मसाले इकट्ठे डालती हूँ जी गाइस। ये आ गया ढक्कन, ये मैंने ढक दिया इसको। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसका इंतज़ार करूँगी फिर इसको अच्छे तरीके से भून के। जी गाइस, इसकी ये शक्ल हो गई है, ये देखेंगे आपके सामने। अभी इसमें डालने लगी हूँ मैं नमक, और जैसा कि आपको मैंने बताया था लाल मिर्चें और नमक मैं डालूँगी। अभी ये मेरा नमक है, ये नमक है, ये मेरी लाल मिर्चें हैं, तो ये बस ये हसबे जायका। मैंने एक चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया और ये मैं एक चम्मच इसमें लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि आज ईद की वजह से सब कुछ बन पड़ा हुआ है, सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म हो गई हैं। और बैठे बैठे ऐसे ही मेरा मूड हुआ कि चले मैं आज अचार गोश्त बनाती हूँ। तो ये मेरा अचार गोश्त तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं ये जो अचार गोश्त का मसाला है वो डालूँगी और मिर्चे विर्चे डाल के इसको दम पे लगा दूँगी ताकि ये मेरा अचार गोश्त तैयार हो जाए। रोटी ये जैसे तवा पड़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड गए थे नीचे सब्ज़ी लेने के लिए और मैंने क्या किया था कि आते वक्त खाने से पहले मैंने रोटियाँ बना ली थी, बाहर छुट्टी थी तो मैंने तेल लगाया हुआ। तो ये अभी सालन तो मेरा बस 5 से 10 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा। इतनी देर तक कर मैं नहा के आऊँगी, फिर बच्चों को लेके बैठते हैं और फिर खाना खाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। शक्ल तो इसकी ऐसी इतनी अच्छी हो गई है, तो सोच रही हूँ कि इसमें चार गोश्त का मसाला ना ही डालूँ तो बेहतर है।
लेकिन मैंने कैसे वाला मंगवाया, ये जो कुछ भी है ये आपके सामने मैं डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि रस मिसा सा सालन हो, ताकि उसके साथ रोटी खाई जाएगी। मैं आपको इसमें से थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के भून के दे देती हूँ। ये हो गया जी मेरा अचार गोश्त। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, देखा ये भी एक जुआ लग गया। लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। चले लगे में हैं अल्लाह तवक्कल, और अल्लाह करे तो हमारे भी हो जाएंगे। आजकल तो जो भी खोलो तो सोनिया व्लॉग, मीठी गोपाल और सलमान मैरी ऐसे सब कुछ चल रहे हैं। चलो वो भी हमारे बहन भाई हैं। हालांकि मैंने मेरे बेटे के एक और चैनल है नैनिया लाइफ स्टाइल, तो मैंने भाभी को बुलवाया था, अमीना भाभी को, बहुत अच्छी बहुत नाइस औरत है। खुदावंद उसको बरकत दे, खुदावंद उसको अपने आप में और तरक्की दे। सो गाइस ये मेरा अचार गोश्त, ये आज मैंने पता है कैसा बनाया, जुगाड़ू। इसमें ये मोटी मिर्चें नहीं मिली थी, वो दूसरी बारीक वाली जो मिर्चें नहीं होती मसाले में से जो निकलती हैं, मैंने कहा चलो यार जुगाड़ वाला थोड़ा सा चखते हैं, पता लगेगा कि कैसा बन रहा है। जी गाइस ये है जी इसका फाइनल लुक, ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपको मिलूंगी खाने के टाइम पे, जब इसको खाने लगेंगे तब इसका लुक मैं फाइनल दिखाऊंगी। ये वैसे तैयार हो गया, ओके गाइस। हेलो गाइस जी बिल्कुल ये खाना तैयार हो गया, अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाने लगी। ये फाइनल लुक है और बच्चे सब खाने के लिए बैठ गए हैं, अभी हम खाना खाने लगे। ये गाइस हमारे खाने का ये फाइनल लुक है, ये मैंने बनाया। इसमें मैंने एक आलू भी डाला है क्योंकि छोटा बेटा मेरा आलू के साथ बहुत शौक से खाता है, और ये मैंने इसमें ये भी हम खाना खाने लगे हैं। ये सब बैठ गए हैं, ये मेरे मियाँ साहब है, साहब इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरा बेटा छोटा है, ये अभी सब खाने पे बैठने लगे, अभी आपसे मिलते हैं खाना खा के। ये खाना ये आ गई है डोली भी, ये सब तैयार हो गया। ये नदीम साहब का खाना, ये खाना खा रहे हैं। हाँ जी मियाँ साहब कैसा बना है खाना? हाँ डोली खाना कैसे बना है? सालन खा के बताओ जी। नाइम मानी है दाइम अच्छा बना है? हाँ दाइम अच्छा बना। हम आए हुए थे सो गाइस, हम आए हुए थे सीरियो, सीरियो में तो रश बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मोबाइल मैंने अपने भाई को दिया था इसलिए मैं नहीं बना सकती व्लॉग, तो दूसरे वाले चैनल में भी व्लॉग बनाया है वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो नैनिया लाइफ स्टाइल। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये सीरियो, ये बच्चे बैठ रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा था, पानी का मैंने नहीं बनाया। सो गाइस सारा सी देव का रास्ता है।